अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम को थर्ड पीरियड में क्यों प्लेस किया गया है? सोडियम को यहाँ पे नियॉन के बाद क्यों नहीं प्लेस किया गया? या ये जो लिथियम है, ये सेकंड पीरियड में, इसको हीलियम के आगे क्यों नहीं प्लेस किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हमें इस तरह से मिल सकता है कि हमने ये स्टडी किया था कि हर शेल में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। अब लिथियम को क्यों नहीं हीलियम के आगे प्लेस किया गया? क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से आता है। ठीक है, ये मिड सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होगा, और उसके बाद फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इट मींस कि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्विवेलेंट होता है और प्रोटॉन नंबर के भी इक्विवेलेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का नंबर कितना है? 3, और न्यूट्रॉन का नंबर कितना है? 4। न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास कैसे आया? क्योंकि जो लिथियम का मास नंबर है वो हमारे पास होता है 7, और न्यूट्रॉन नंबर हमने कैलकुलेट करना सीखा था कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को, इलेक्ट्रॉन नंबर को या प्रोटॉन नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आएगा। मास नंबर 7 है तो एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 तो 4, हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर अब हम लिथियम के स्ट्रक्चर को देखें तो 3 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब ये लिथियम क्या था? सेकेंड पीरियड में इसको प्लेस किया गया था यहाँ पे। ठीक है, अगर हम हीलियम का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, हीलियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। अब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया इसका फर्स्ट शेल, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट शेल ही इसका फिलअप हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट शेल में आ गए, प्रोटॉन नंबर इसका होगा 2 और न्यूट्रॉन नंबर भी इसका 2 होगा, क्योंकि इसका जो मास नंबर होता है वो हमारे पास होता है 4। इसी तरह सोडियम है, तो सोडियम को हमने थर्ड पीरियड में प्लेस किया। अब सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें इट मींस के 11 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं, 2 आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, फिर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10, 1 इलेक्ट्रॉन तो वो आ जाएगा थर्ड शेल में। तो हमारे पास जो सोडियम है वो थर्ड पीरियड में रिजाइड कर रहा है। अब इससे हमें क्या बात पता चलती है कि जो हमारे पास पीरियड नंबर होता है वो हमें शेल नंबर के बारे में भी बताता है। जो पीरियड नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ शेल्स उस पीरियड में, जो एलिमेंट्स हैं उसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे थर्ड पीरियड में हमारे पास आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखें तो इनमें नंबर ऑफ शेल्स 3 होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास थर्ड पीरियड आता है, फर्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम वाला, सेकंड जो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, और थर्ड सोडियम से। तो जो थर्ड होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह जो सेकंड पीरियड हो 3 शेल्स होंगे। इसी तरह जो सेकंड पीरियड होगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 2 होंगे, 4 में 4 होंगे, 5 में 5। इसी तरह से जो पीरियड नंबर होगा वो हमें शेल नंबर के बारे में बताएगा। और जो ग्रुप नंबर होता है हमारे पास, ग्रुप नंबर हमें आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके बारे में बताता है। जैसे हमने लिथियम की एग्जांपल पढ़ी, तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, और इसका ग्रुप नंबर क्या है? 1। तो इसका ग्रुप नंबर हमें क्या बता रहा है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो पीरियड नंबर हमें ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ शेल्स किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट है, किसी भी एटम में प्रेजेंट है, और ग्रुप नंबर हमें ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है।